तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आज आपके लिए मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो खास कर ये हमारे स्टूडेंट और सब्सक्राइबर के लिए होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, मैं उनकी हेल्प के लिए ज़्यादातर वीडियो बना देता हूँ। तो आज का वीडियो है मेरा टॉपिक, मैं आपने आप थंबनेल में या टॉपिक में तो आपने देख ही लिया होगा कि फ्रेंड्स, मैं आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैं स्टूडेंट को बताता हूँ और अपने सब्सक्राइबर को भी बताते रहता हूँ कि आज यूएमटी का जो लेते हैं, यूएमटी प्रो लें कि यूएमटी लें, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको यूएमटी प्रो लेना है कि यूएमटी लेना है। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, डिटेल करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं यूएमटी के बारे में भी, यूएमटी को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कहाँ से हमें इसके सेटअप को डाउनलोड करना है और कैसे रन करना है। तो चलिए मैं आज यूएमटी प्रो के बारे में बात करता हूँ कि जो यूज़र ने यूएमटी प्रो लिया है और उन्हें यूज़ करना नहीं पता है, फाइलों को कैसे डाउनलोड करते हैं और कौन सी फाइल सेटअप कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये यूएमटी प्रो है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगी आपको कौन कौन से इसमें सेटअप डाउनलोड करने हैं, मैं वो सारी प्रॉपर वीडियो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया कि हमने आपको यहाँ पे इंट्रो करा दिया है, अब मैं सिंपली फ्रेंड्स आपको सारे सेटअप को कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ यूज़ करना मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे सेटअप को डाउनलोड करना है, वह मैं सारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यूएमटी को मैं फ़िलहाल लगा देता हूँ पोर्ट में, मैं पोर्ट में लगा देता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्रोम खोलना है, क्रोम, क्योंकि आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि हमें सेटअप कैसे डाउनलोड करना है। आपको चार सेटअप इसमें डाउनलोड करना है फ्रेंड। तो आपको लिखना है एवेंजर जेएसएम फॉरम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एवेंजर लेटेस्ट सेटअप लिख सकते हैं। तो आप एवेंजर जेएसएम फॉरम भी में ही जा सकते हैं, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ आप इसका जो सेटअप है, आप एवेंजर लेटेस्ट सेटअप भी लिखेंगे तो भी इसका सेटअप आ जाएगा। पर जेएसएम फॉरम में क्या होगा, आपको जेन्युइन साइट मिल जाएगी, वो एक जेन्युइन साइट है और वहाँ पर आप जा करके बहुत ही ईजिली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको एवेंजर बॉक्स का जीएसएम फोरम का साइट खुल जाएगा। तो इसमें से आपको चार सेटअप डाउनलोड करने हैं। इसमें आपको यूएमटी में बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे आप नॉर्मल यूएमटी को यूज करते हैं तो उसमें आपका आप स्पेक्ट्रम को नहीं यूज कर सकते हैं, बट अगर आप यूएमटी प्रो लेते हैं तो आप स्पेक्ट्रम सीपीयू भी सपोर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं बता दूं कीपैड के फोन होते हैं या फिर जैसे स्पेक्ट्रम के कीपैड के फोन हुए, उनकी पासवर्ड या फिर जो भी अनलॉकिंग वगैरह का हुआ, तो आप यूएमटी से अगर आपके पास नॉर्मल यूएमटी है तो आप नहीं हटा सकते, बट अगर आपके पास यूएमटी प्रो है तो आप इजीली तरीके से स्पेक्ट्रम को भी चला सकते हैं। तो आप जैसे हमने उनको इंटर किया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, पहला आपको एफटीके का जो वर्जन चल रहा है 7.4, मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा और कैसे यूज होता है उसका इंटरफेस भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आने वाली है। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप मिस हो जाएंगे और आपको कहीं से भी सेटअप या फिर उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। तो जो पहला सेटअप आपको डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, वो आपको एंड्रॉयड एमटीके 7.4 अभी वर्जन चल रहा है, यहाँ पर आप जो भी लेटेस्ट नया वर्जन आएगा आप यहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम जो कि यूएमटी, अगर आप नॉर्मल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यूएमटी यूज करते हैं तो आपका स्पेक्ट्रम सीपीयू सपोर्ट नहीं करता है, बट वहीं पे आप अगर यूएमटी प्रो ले लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका वहां पे स्पेक्ट्रम सीपीयू भी सपोर्ट कर लेता है। तो दूसरा आपको यहां पे सेटअप डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले आप देख लो कौन कौन से सेटअप आपको डाउनलोड करने हैं। उसके बाद फ्रेंड तीसरा है आपका क्वालकॉम के लिए, पहला आपका मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और तीसरा होता है क्वालकॉम के लिए, जो कि आपका क्वालकॉम सीपीयू का सपोर्टेबल होता है। बहुत अच्छा यहाँ पे एफआरपी अनलॉकिंग पैटर्न बहुत आप कर सकते हैं, उसका इंटरफेस मैं यहाँ पे आपको फ्रेंड्स सामने दिखाने वाला हूँ। चौथा आपको करना है इसका एवेंजर का मेन सेटअप, एक मेन सेटअप आता है मेन सेटअप, उसको अभी आपको करना है और बाकी भी और भी सारे हैं और आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको चार ही बोलूँगा, आप चार करें, चार सेटअप में आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेन मॉड्यूल में 3.0 अपडेट चल रहा है, इसमें आप जा करके इजी तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसको डाउनलोड को, तो आप किसी भी एक क्लिक करेंगे, किसी भी टैब में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे दो साइट दी गई है डाउनलोड करने के लिए, दो सपोर्ट दिया गया है, एक है आपका गूगल ड्राइव और दूसरा है आपका मीडियाफायर। तो आप दोनों सोर्सेस से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप जैसे गूगल ड्राइव से करना है तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि जो हमारी फाइल होती है वो फास्ट डाउनलोड होती है, तो हमें गूगल ड्राइव पे जाना है। और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद जैसे आपने गूगल ड्राइव को किया तो एक नया टैब खुल जाएगा, और जैसे एक नया टैब खुल जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं सिंपली हमारा एक नया टैब खुल चुका है। जैसे अभी हमने गूगल ड्राइव को किया वैसे ही हमारा एक नया टैब खुल चुका है। सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड पे कर देना है और डाउनलोड एनीवेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये 176 MB का है, जो कि अगर इंटरनेट स्पीड हुआ तो 1 से 2 मिनट के बीच में डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको हमेशा अपडेट में बने रहना है तो एवेंजर का MDK, और ऐसे ही आपको सारे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ एक एक करके वन बाई वन, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली चाहें तो वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनके सेटअप को भी आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, इनकी सेटअप का इंटरफेस। पहले मैं इनको टूल बताऊंगा और एक टूल को किसी को मैं चला के भी दिखा दूंगा या दो चला के दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसलिए स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करने के लिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो मैं बैक करके आता हूँ, तो बैक में जैसे मैं आया तो देखिए हमने चार आपको बोले थे करने के लिए, एक मेन मॉड्यूल, एक मेन सेटअप, उसके बाद MSM मतलब क्वालकॉम के लिए, उसके बाद MTK मतलब मीडियाटेक CPU के लिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम SPRD के लिए। तो फ्रेंड ये चार आपके लिए बोला गया था कि चार, और इसके लिए कोई अलग से ड्राइवर नहीं डालने हैं। जैसे ही कि आप इस टूल को चलाते हैं वैसे ही ड्राइवर इनमें इनबिल्ट होता है, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो एक रॉकेट ड्राइवर होता है आप उसे चला देंगे तो क्वालकॉम के लिए UMTI के लिए कोई भी एरर नहीं आएगा। चलिए तो अब हम सबसे पहले स्पेक्ट्रम को लेकर चलते हैं, जो कि क्वालकॉम में सबसे बेस्ट स्पेक्ट्रम जो CPU सपोर्ट नहीं करता है, जो कि हमारा UMTI होता है। पर अगर आप 1000 रुपये या फिर UMTI Pro लेते हैं तो उसमें आपका एवेंजर टूल भी, स्पेक्ट्रम टूल भी चल सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, मैंने सारे वर्जन को रखा हुआ है, ऐसे ही आप भी एक बैकअप एक डाटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट वर्जन था 1.3, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ स्पेक्ट्रम का, मैं यहाँ पे बैक करूँगा थोड़ा सा और आपको इसलिए कोई भी वीडियो मैं स्किप नहीं करता हूँ। तो देखिए स्पेक्ट्रम का 1.3 लेटेस्ट चल रहा है, अभी मैंने वही वो डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम इसको रन कर देते हैं। सिंपली इंस्टॉलर होता है, आप इसे बहुत इजीली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट आपको नहीं पता है तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैं चारों का इंटरफेस आपको खोल के दिखाऊंगा। और प्रॉपर अगर आपको और कुछ जानना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और MMC से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, आपको कैसा हेल्प चाहिए, मैं हमेशा आपके लिए हेल्प लेकर के आऊँगा। कमिंग सून दो वीडियो है हमारे पास, एक आपके लिए मैं ला के आऊँगा सिस्टमेटिक डायग्राम, बहुत ही हार्डवेयर का सोल्यूशन आपको बहुत इजी हो जाएगा, मैं एक वीडियो वो लेकर के आने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डाउनलोड, आपको हार्डवेयर और किसी भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारा वो इंस्टॉल हो चुका है, तो देखिए हमारा स्पेक्ट्रम ये बाहर आ चुका है। जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल हो गया तो ये हमारा UMTI डोंगल हमने लगा दिया फ्रेंड्स। अब इसको सिंपली हम रन करते हैं, तो यहाँ पे रन एस एडमिनिस्टर कर लेंगे। हमेशा कभी भी आप किसी भी सेटअप को खोलें तो रन एस एडमिनिस्टर कर लें, इसमें आपको दो बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वन टाइम में वो सेटअप खुल जाएगा। तो चलिए इंटरफेस इसका हम दिखा देते हैं, एवेंजर का इंटरफेस दिखाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्वालकॉम का भी इंटरफेस दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम का भी दिखा रहे हैं, उसके बाद मीडियाटेक का भी दिखाएंगे, मतलब चारों का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता ही है, इसको सारी चीज़ मैं एक बार हाईलाइट फटाफट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्पेक्ट्रम का हमारा इंटरफेस है, स्पेक्ट्रम का हमारा 1.3 है, इसमें आप सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। फ्लैश मोड में हम बात करें तो फ्लैश मोड में आप जा करके यहाँ पे फाइलों को आप दे करके बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैनुअली मतलब रिफ्रेश करेंगे, पोर्ट आपका स्कैन करेगा और बहुत ही ईजिली तरीके से आप यहाँ पे फ्लैशिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे CPU वाइज भी दे दिया है और यहाँ पे ब्रांड वाइज भी आप जा सकते हैं। आपका ITEL, इंटेल बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, जैसे ITEL के फ़ोन आ रहे हैं, टेम्बो के फ़ोन आ रहे हैं, और यहाँ पे आप चूज़ करके बहुत ही ईजिली तरीके से, जैसे ITEL हो गया, और यहाँ पे अपना बहुत सारे मॉडल भी यहाँ पे सपोर्ट इन्होंने दे दिया है। तो एक डोंगल से आपके सारे काम हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको सीधा MMC है कि क्या है, और यहाँ पे जाकर के सीधा आप इसको काम कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट के लिए तो बेसिकली नहीं होता है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कहते हैं कि सिम लॉक है, जैसे स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा बोलते हैं सर हमारा सिम लॉक हो गया है, तो सिम लॉक के लिए आपको कोई भी फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका नेटवर्क नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे छोटे मॉडल्स होते हैं सैमसंग में, उसमें नेटवर्क चला जाता है, तो ये सिम लॉक और ये सिम लॉक रिमूव ये बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। सिंपली आप उसको बूट कराएंगे
फ्लैश मोड पे आपको पता ही है, और यहाँ पे आपका सिम लॉक रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे पैक फाइल देखिए, यहाँ पे आप पैक फाइल दे करके, ओपन पैक फाइल आप यहाँ पे दे करके इजी तरीके से इसको फ्लैश भी कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा स्पेक्ट्रम का। अब हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को फटाफट आगे करते हैं। अब उसके बाद मैं दूसरे डोंगल्स को खोलूंगा फ्रेंड्स। दूसरे डोंगल्स को खोलने के बाद मैं यहाँ पे खोलता हूँ। देखिए हमारे चार सेटअप हैं, हमने एक आपको स्पेक्ट्रम का तो दिखाई दिया, उसके बाद MTK का इंटरफेस आपको दिखा देते हैं। MTK का इंटरफेस, फिर उसके बाद Qualcomm का इंटरफेस, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको Avenger का मेन सेटअप। तो चलिए जैसे ही हमारा ओपन हो जाता है वैसे ही आपको फटाफट सारी चीज़ों का इंटरफेस हम बता देते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं बता दूं आपको, मेटा मोड हो चाहे ब्रॉन मोड हो, बहुत ही ईजी तरीके से ये वर्क करता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये MTK का 7.0 है, पर 7.3 आ चुका है, मैंने डाउनलोड भी कर दिया है फ्रेंड्स, पर वो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाउनलोड भी किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड भी बहुत ही इजीली तरीके से किया हुआ है। आप यहाँ पे जा करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे और अपना लेटेस्ट वर्जन को कर लेंगे। लेटेस्ट में जाहिर सी बात है कि कई सारे मॉडल्स ऐड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरफेस है। हम यहाँ पे अनलॉकिंग की डायरेक्ट बात करते हैं, FRP की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं FRP पैटर्न बहुत ही इजीली तरीके से मेटा मोड में भी आप हटा सकते हैं, ब्राउन मोड में भी आप हटा सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से आप यहाँ पे इसकी FRPs हटा सकते हैं, जो कि आप CPU वाइज भी जा सकते हैं और मॉडल वाइज भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इसके भी काफ़ी वीडियो डले हुए हैं। जैसे Honor के कुछ फ़ोन हो गए, Honor के, Huawei के फ़ोन हो गए, Itel के फ़ोन हो गए, तो यहाँ पे इजीली तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन में जा करके आप यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं, और यहां पे आप जा करके इसकी FRP रिमूव बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, आपको सिंपली यहां पे जाना है, रिसेट FRP आप कर देंगे तो आपकी चुटकी में FRP रिमूव हो जाएगी। तो आप यहां पे ये कर सकते हैं। तो ये MTK का इंटरफेस है, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, आप Qualcomm का इंटरफेस खोल के दिखाता हूं, उसके बाद मेन दिखाऊंगा। और अगर आपको इसके बाद भी और कुछ समझना है फ्रेंड, तो आप हमें और कमेंट बॉक्स में जा करके, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मैं Qualcomm का दिखाऊंगा, जो कि Qualcomm के लिए तो आपने UMT का इंटरफेस देखा ही देखा था, ये Avenger का इंटरफेस मैं आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा Avenger सेटअप में खुलने में, और Avenger का Qualcomm सेटअप जैसे ही खुल जाता है फ्रेंड्स, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फटाक से। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये Qualcomm का इंटरफेस है, ये Qualcomm CPU इसमें डिटेक्ट करेगा, इसमें ओप्पो, वीवो, हवाई, मोटरोला, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स इसमें हैं। इसकी आप बहुत ईजी तरीके से FRP तो बहुत ईजी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं EDL मेथड से। देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रांड अपना सिलेक्ट करिए और आपने EDL मोड पर जाइए और सीधा FRP रिसेट कर दीजिए, बहुत ही ईजिली तरीके से ये हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप यहाँ पे फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मवेयर यूनिट्स और यहाँ पे ओप्पो, एयरसेल, मोटरोला, हवाई, वीवो, Qualcomm रिसेट से आप यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट और यहाँ पे कीप डाटा बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। ये EDL मोड पे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता है। तो ये टेस्ट पॉइंट भी कुछ दिए हुए हैं कि अगर आपको फ्रेंड टेस्ट पॉइंट भी जानना है, वीवो का कौन सा मॉडल टेस्ट पॉइंट, ज़्यादातर Xiaomi की हम बात करते हैं तो Xiaomi में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे 6 का हम देख लेते हैं कि इसका 6 का टेस्ट पॉइंट कहाँ पे है। तो ये देखिए बहुत इजीली तरीके से आपको टेस्ट पॉइंट भी पता चल जाएगा, हर एक मॉडल के यहाँ पे आपको टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे हमें 4 का पता करना हुआ, MI4 का, तो इसका टेस्ट पॉइंट फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टेस्ट पॉइंट, यहाँ पे इसकी टेस्ट पॉइंट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे दिया रहता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये डोंगल्स है। मैं इसका मेन भी खोल के आपको फटाक से दिखा देता हूँ, मेन का सेटअप यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ। उसके बाद इस पर मैंने काफ़ी वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो भी डाली हुई है, तो मैं ये आपको बताया हूँ, लास्ट में भी बताऊँगा अभी कि आपको Avenger UMT लेना चाहिए या UMT Pro लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कार्ड अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेन सेटअप को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और सब चीज़ आपके सामने प्रैक्टिकली चल रही है। आप यहाँ पे UMT को, Avenger को अपडेट कर सकते हैं, बट अगर ये UMT नॉर्मल पे नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ये आपको चलेगा तो केवल और केवल UMT Pro में चलेगा, नहीं तो UMT नॉर्मल में नहीं चलेगा। तो अब इसे सिंपली फिर से हमें रिस्टार्ट करना है, वो अपडेट हो चुका है, अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिस्टार्ट करूँगा, मतलब फिर से कट करके हमें केवल चालू करना था। तो बस हो गया फ्रेंड्स, 1 मिनट लगेंगे यहाँ पे, और
बस खुल ही जाता है, और जैसे ही खुल जाए ओपन हो जाता है मैं आपको इसका भी इंटरफेस दिखा देता हूँ। और ये हमारा कॉलकॉम एवेंजर का मेन सेटअप है, इसमें सारी चीज़ें कॉलकॉम स्पेक्ट्रम और इसमें आपका मेडियाटेक सारी चीज़ इसमें इनबिल्ड होती है, इंक्लूड होती है। ये आप यहाँ का इसका मेन सेटअप है, आप यहाँ को इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड करें और एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसको काट करके फटाक से मैंने बोला था कि आपको ये भी बताऊंगा कि आपको UMT लेना चाहिए कि UMT प्रो लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको UMT प्रो ले, जिसमें आप एक साथ दो टूल को चला सकते हैं, एवेंजर टूल को और UMT टूल को भी आप बिल्कुल चला सकते हैं। तो आप इसमें से मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको हमेशा UMT प्रो लेना है, जिसमें आपका UMT का स्पेक्ट्रम भी सपोर्ट हो जाता है और बहुत ही ईजी तरीके से आप काम कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।